श्री राहुल गांधी जी। Thank you, Speaker, for allowing me the opportunity to raise this important matter in the House. I'd like to also thank the members of the BJP who have come in such large numbers to listen to what I have to say. Thank you. I thought I would be speaking to empty benches, but now all of you are here. I'd like to welcome you. Dhanyawad, dhanyawad, dhanyawad. कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई खाना खा रहा था, सब दौड़ के आए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, स्पीकर मैडम, मैं लैंड बिल पे यहां कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय इतने उत्तेजित हो रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप सुनने की क्षमता भी रखिए। मैं यहाँ, अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ लैंड बिल पे थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। क्योंकि थोड़ा इसलिए क्योंकि नायडू जी ने कहा कि थोड़ा बोलना चाहिए, जल्दी से डिस्कशन हो जाना चाहिए, इसलिए मैं छोटा ही बोलूंगा, क्योंकि मैं आपकी बात भी मानता हूं। लैंड बिल को लाने में हमें तकरीबन 2 साल लगे और एनडीए सरकार ने कुछ ही दिनों में उस बिल की हत्या कर दी। पहली कुल्हाड़ी उठा के यहां हमारी गले पे कंसेंट क्लॉज, जो सबसे जरूरी क्लॉज है, हमने कहा कि अगर गरीब जनता से, किसान से, मजदूर से जमीन ली जाएगी तो उससे पूछ कर ली जाएगी। और आपने कहा नहीं, हम नहीं पूछेंगे, अगर हम जमीन छीनेंगे तो बिना पूछे हम जमीन छीनेंगे। पड़ता ये किसान कौन है, ये मजदूर कौन है, हम छीनेंगे जमीन। दूसरी कुल्हाड़ी जब जब गला कटा, लाश नीचे गिरी, तो फिर आपने दूसरी कुल्हाड़ी मारी। आपने कहा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। हमने कहा कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, पता लगना चाहिए किसको नुकसान हुआ, किसको असर हुई जमीन के ले जाने का। आपने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। ये कि आपने धन्यवाद। प्लीज उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग भी ऐसे खड़े हो जाएंगे। सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। पहले तो इन्होंने कहा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है, किसान का नुकसान, मजदूर का नुकसान, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा था 6 महीने में जांच हो जानी चाहिए, जांच की कोई जरूरत नहीं इनके बिल में। और फिर तीसरी कुल्हाड़ी मारी। और शायद सबसे जरूरी, हमने कहा था कि अगर 5 साल के अंदर, अच्छा बोलने दीजिए, आप बोलना चाहते हैं आप बोल दीजिए, बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, आप बोलिए, खड़े होकर बोलिए, सुन रहा हूं। खुश? और फिर से बोलना चाहते हैं, फिर से बोल दीजिए, बोलिए। तो तीसरी बात, हमने कहा कि अगर किसान की, मजदूर की जमीन जाती है तो अगर उस जमीन पे 5 साल में प्रोजेक्ट पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, अगर प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ तो वो जमीन किसान को वापस दी जाएगी। इनके नए बिल में उसको भी रद्द कर दिया गया है। अब क्या होगा, चाहे प्रोजेक्ट बने या ना बने, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, जमीन किसान को वापस नहीं मिलेगी। अब देखिए, सरकार को इस बिल पास करने में बहुत जल्दी है, तो हमने आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, किसी ने आरटीआई लिखा और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा कि बताइए जमीन के कारण कितने प्रोजेक्ट रुके पड़े हुए हैं। हमने सोचा था शायद 80% होगा, 70% होगा, मगर नहीं, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 100 में से 8 प्रोजेक्ट जमीन के कारण रुके हुए हैं। 8, केवल 8। हिंदुस्तान की सरकार के पास जमीन है, स्टेट की सरकार के पास जमीन है, एसईजेड में 40% जमीन खाली पड़ी हुई है, मगर आप किसान की जमीन चाहते हो, आप किसान की जमीन छीनना चाहते हो। क्यों? जमीन की तो कोई कमी नहीं है, सरकार के पास है, तो क्यों खरीदना चाहते हो और कहां जमीन लेना चाहते हो, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। स्पीकर सर, जमीन बुंदेलखंड में एक्वायर नहीं होती, राजस्थान के रेगिस्तान में एक्वायर नहीं होती है, शहरों के पास गुड़गांव, नोएडा, पूना के पास होती है। क्यों? क्योंकि इस जमीन का दाम तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के किसानों, आपके पैरों के नीचे सोना है, सोना, और ये लोग वो सोना आपसे छीनना चाहते हैं। जो जमीन आज लाखों में जाती है, जिसको आप एकड़ में बेचते हो, वो जमीन आज से 5-10 साल बाद करोड़ों में जाएगी, उसको आप स्क्वायर फुट पे बेचोगे। 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आपके बच्चों को 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ उस जमीन से मिल सकते हैं, मगर ये सरकार वो जमीन आपको नहीं देना चाहती है। ये सरकार वो जमीन अपने उद्योगपति दोस्तों को, क्रोनी कैपिटलिस्ट को देना चाहती है। ये सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है, सूट-बूट की सरकार है। और मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं इधर देख के, क्योंकि एक समय वो हमारे साथ खड़े थे और जो मैं कह रहा था वो भी कह रहे थे, मगर आज वो उस साइड बैठे हैं, तो उनको देख के मुस्कुराना पड़ रहा है। और उनके पास में सीनियर लीडर भी बैठे हैं, सुषमा जी थी, वो आज यहाँ नहीं है, आडवाणी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, जो शायद मुझे ठीक याद हो तो यहाँ बैठते थे, और जब हमने बिल पास किया तो उन्होंने यूं ताली बजाई थी, उसी बिल का समर्थन किया था, और आज पता नहीं क्यों पलट गए। दो कारण हो सकते हैं, एक, सचमुच में उनका दिल बदल गया, या दो, वो घबराते हैं कि भाई गलत बात ना बोल दे, फंस जाएंगे। तो जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, फायदा किसान को जाना चाहिए, फायदा मजदूर को जाना चाहिए, मगर आप लोग चाहते हो कि फायदा आपके जो मित्र हैं उनको मिले। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर यहाँ नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पे रोकेंगे, सड़क पे जाके रोकेंगे आपको। ये सूट बूट का काम नहीं चलने देंगे। कुछ समय पहले एक इकोनॉमिस्ट आए, अच्छा खत्म कर रहा हूँ। एक इकोनॉमिस्ट आए मेरे पास, उन्होंने सोवियत यूनियन पे काम किया था। अरे सहनशीलता का परिचय दो भाई। सर डिप्टी स्पीकर सर देखो कितने हड़बड़ा रहे हैं सर। इकोनॉमिस्ट आए हड़बड़ा रहे हैं और कुछ साल पहले वो डर के बारे चुप है। इकोनॉमिस्ट आए और वो सोवियत यूनियन पे काम करते थे। क्या शांति आई। वो सोवियत यूनियन पे काम करते तो उन्होंने और उन्होंने कहा मैं सोचता था कि चोर रात को 12 बजे रात को आता है, छुप के आता है और खिड़की के इकोनॉमिस्ट ने कहा सोवियत यूनियन पे काम करते थे, उन्होंने कहा मैं सोचता था कि चोर रात को आते हैं, छुप के आते हैं, खिड़की के अंदर से कूद कर आते हैं, मगर मुझे पता लगा कि सबसे बड़े चोर खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहन कर आते हैं। धन्यवाद।